नमस्कार साथियों, मैं हूं एमडी अख्तर, फाउंडर केजीएन मृदा संजीवनी। साथियों, आज की सघन खेती के युग में भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खादों में गोबर की खाद, कंपोस्ट एवं हरी खाद मुख्य हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए फसल के अवशेष गोबर को गड्ढे में सड़ाया व गलाया जाता है। इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लग जाता है तथा पोषक तत्वों का भी नुकसान होता है। पिछले कुछ सालों से कंपोस्ट बनाने की एक नई विधि विकसित की गई है, जिसमें केचुआ का प्रयोग किया जाता है। इसे केचुआ खाद या बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुआ खाद प्लास्टिक, सीसा, पत्थर के अलावा किसी भी चीज जैसे कूड़ा करकट, फसल अवशेष, गोबर आदि से बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। केचुआ खाद के प्रयोग से मिट्टी भुरभुरी एवं मुलायम होती है। केचुआ भूमि में अपना महत्वपूर्ण योगदान एवं भूमि सुधारक के रूप में देता है। इसकी क्रियाशीलता स्वतः चलती रहती है, परंतु आधुनिक खेती में अधिक रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों के लगातार प्रयोग से केचुए की संख्या में भारी कमी आई है। मित्रों, केचुआ खाद बनाने की विधि बहुत ही सरल एवं सस्ती है। इससे बेरोजगार युवक काफी पैसा कमा सकते हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा देने के लिए केजीएन मृदा संजीवनी की टीम दिन रात प्रयास कर रही है कि सभी लोग जैविक खेती करें। इसी प्रक्रिया में आज हमारी टीम युवराज जी के यहाँ आई है, तो आइए खुद युवराज जी से बात करते हैं कि हमारे द्वारा किए गए सपोर्ट से वे कितने संतुष्ट हैं। बात करते हैं। नमस्कार, हम युवराज है, जिला चंदौली। एक पेट के लिए हमने लगवाया है यहाँ पे, केचुआ इनका अच्छी क्वालिटी में था, हमने अभी लगवा तो चेक किया। ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, इसके लिए अक्सर भैया से हमने संपर्क किया, उन्होंने अच्छे क्वालिटी का केचुआ हमको दिया है। तो मित्रों, इसी प्रकार की अप टू डेट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।